नमस्कार दोस्तों, देखिए सैमसंग का 22 इंच एलईडी है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है और आप देख सकते हैं डेड कंडीशन में है मेरे पास जब आया है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट निकलता है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। बैक कवर खोलने के बाद टेस्ट करेंगे इसको, क्या प्रॉब्लम होता है इसमें, क्या पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। सैमसंग का अच्छा है, ऊपर कवर है, चार जो स्क्रू खोलेंगे तो टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। दो स्क्रू और लगे हुए हैं यहाँ पर, तो उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए, मैं अभी बैक कवर तो खोल दिया इसका। कॉम्बो मदरबोर्ड है इसमें, सैमसंग में पावर सप्लाई और जो मदरबोर्ड है एक ही साथ है। तो इसका पहले ऐसा हो दिख रहा है कि रिपेयरिंग किया हुआ है, क्योंकि जो 5 वायर वाला मॉड्यूल आता है वो इसमें पहले से ही लगा हुआ है और अभी भी जो उसका प्रॉब्लम है पावर सप्लाई में ही लगता है, क्योंकि पीस डेड है। तो चलिए इस पे देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें। डिस्प्ले की वायर भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी मदरबोर्ड खोला हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिख सके इसलिए। तो चलिए यहाँ पर मैं खोला इसको, अभी देखते हैं इसमें अंदर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकलता है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी आप अपनी नज़र मारी होंगी तो देखते हैं यहाँ पर 300 वोल्ट प्रेजेंट है कि नहीं कैपेसिटर पे। देखिए 284 वोल्टेज यहाँ पर है, मतलब इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो 300 वोल्ट तक करंट आता है लेकिन जो आउटपुट है वो नहीं निकल रहा है। तो क्या हो सकता है इसके अंदर का प्रॉब्लम। मेरा मल्टीमीटर गिर गया, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉड्यूल लगा हुआ है, 5 वायर वाला मॉड्यूल है ये मॉड्यूल लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट फट चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है, बस्ट हो गया है। यहाँ पर कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं, कैपेसिटर भी ख़राब हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर आउटपुट के जो कैपेसिटर है, तीनों की तीनों भी ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पर फूल चुके हैं, मतलब ज़्यादा गर्म होने से या ज़्यादा चलने से कैपेसिटर ख़राब हो चुके हैं। तो इसका 100% जो प्रॉब्लम है ये आँखों से दिख रहा है कि पावर सप्लाई में ही है। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक चेंज करते हैं और अपना जो मदरबोर्ड है वो चालू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो बड़ा कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, वो चेंज करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वोल्टेज आ रहा है लेकिन जो बूस्ट होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। कम से कम 300 के आगे हमें वोल्टेज चाहिए होता है, इसमें 284 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर कैसा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज आने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर अभी दूसरा जो कैपेसिटर है हम लगाएंगे, इससे पहले जहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर के जो होल है वो क्लीन करना पड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा साफ कर लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं अभी नया कैपेसिटर लिया हूँ,
और ये अच्छा कंपनी का कैपेसिटर है और हेवी कैपेसिटर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम क्वालिटी कैपेसिटर है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इसकी जगह पर ये हम डालते हैं और फिटिंग कर देते हैं इसको। देखिए इस तरह से कैपेसिटर डालते वक्त दोस्तों कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना कौन सी साइड में, कभी कभी उल्टी पुल्टी हो जाती है, तो उल्टी उल्टी होने के बाद ये कभी फट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, कितना भी अच्छा कंपनी का हो। तो ये देख लेना पड़ेगा हमें कि पॉजिटिव कौन सी साइड में, नेगेटिव कौन सी साइड में है। ओके, तो चलिए मैं अभी इसको फिट कर देता हूँ और आगे हम सबसे पहले जो मॉड्यूल है वो चेंज करेंगे, क्योंकि मॉड्यूल डायरेक्ट ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको दिखा था वो खोलने के बाद कैसा हुआ है वो, मतलब इसके अंदर टू फेज या ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, मतलब जो 250 वोल्टेज ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा ही वोल्टेज उसके अंदर गया होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। तो चलिए इसको खोलते हैं। ये मॉडल भी बहुत सक्सेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, एकदम अच्छी तरह से चलता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन कभी कभी जो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, देखिए कैसे डायरेक्ट बस्ट हुआ है, उसका आगे का जो कवच है फट चुका है इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पहले कट कर देते हैं इसको, क्योंकि हमको दूसरा डालना ही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसा वो उसका हालत हो गई है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए इस तरह से हम दूसरा मॉड्यूल लगा देते हैं। देखिए मैंने अभी हाथ में मेरे उस तरह का ही सेम मॉड्यूल है, तो जैसी वायरिंग है वैसी सेम वायरिंग करनी है हमें, वायरिंग में चेंज होना नहीं है, क्योंकि पहला मॉड्यूल जैसा था वैसा ही ये मॉड्यूल है। उसके लिए जो कलर कोड है वही कलर कोड भी वही है, तो उसके लिए हमें कोई अलग से अलग जगह पर वायरिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं अभी जो 300 वोल्ट में हरी वायर लगती है वहाँ पर मैं लगा देता हूँ कैपेसिटर के 300 वोल्ट पे। ओके, कभी भी ये गलती मत करना, क्योंकि पीली वायर कलेक्टर पे 300 वोल्ट पे लगेगी और हरी वायर जो कैपेसिटर के 300 वोल्ट पे लगेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं अभी वही वायर लगाने जा रहा हूँ, पीली वायर। कभी कभी आप सोचते होंगे कि 300 वोल्ट तो दोनों जगह है तो वायर इधर उधर हो गई चली गई, नहीं दोस्तों ऐसा मत करना, इससे मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं उसको निकलता हूँ सबसे पहले पुरानी वायर को, और वहाँ पर एक ब्लैक वायर भी हमें लगाना है। ये देखिए यहाँ पर मीटर पे देखिए पीली वायर मैं कलेक्टर पे लगा देता हूँ, जहाँ पर हमारा बीयू होता है, मॉस्फेट होता है। यहाँ पर देखिए इस पर हम लगा देते हैं, सॉरी। तो चलिए यहाँ पर मैं उसको फिटिंग कर देता हूँ। ओके, इस तरह से मैं फिटिंग किया हूँ इसको। फिटिंग करते वक्त चेक कर लेना कहीं पे वो टच ना हो गया हो शोल्डर। यहाँ पर मैं अभी ब्लैक वायर भी लगा दूंगा वहीं पर, जो देखिए यहाँ पर ओके। अभी हमारे तीनों वायर शोल्डरिंग हो चुकी है, हमारा बचा है वाइट वायर और रेड वायर। तो वाइट और रेड कहाँ पर लगाना है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, पहले तो वहाँ लगा हुआ है लेकिन कहाँ पर लगाना है ये देखना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इससे आपको पता भी होगा कि मॉड्यूल कैसे लगाते हैं, जो नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो पुराने हैं तो उनके लिए तो मालूमत होती है, जो नए टेक्नीशियन हैं उनको मॉड्यूल कैसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायोड के एनोड पर,
टीपी के पास में एक डायोड होता है, वहीं पर ये लगाना है आपको इस तरह से रेड वायर। और ये जो सफ़ेद या वाइट वायर होती है, ये वायर लगाना है हमें ऑटो कपलर जो होता है उसके 4 पिन नंबर पे। जो पिन नंबर 4 होती है उस पे ये वायर जो है वाइट वायर उसको लगाना है। इस तरह से हमारा ये पांचों वायर यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुकी है और हमारा मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। जैसे पहले था वैसा ही हमें यहाँ पर लगाना है फिटिंग करके। तो चलिए इसको फिट कर देते हैं। ओके, इस तरह से इसको फिटिंग कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिटिंग करते समय शोल्डर कहीं टच ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। हीट सिंक को अच्छी तरह से उसको हीट सिंक कर देना, क्योंकि थोड़ा बहुत लूज रह गया तो अपना जो ये एसटीआर है तुरंत उड़ जाता है, तो ये ख्याल में रखना कभी भी। इस तरह से मैंने इसको फिटिंग कर दिया है। ओके, तो अपना ये जो पावर का था ये हो गया इनपुट का। अभी आउटपुट में हम जो कैपेसिटर है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो तीनों कैपेसिटर है एक ही वैल्यू के हैं शायद, वो मेरे हिसाब से 3500 470 माइक्रोफेरेड के ये कैपेसिटर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें तीनों की तीनों ही कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। हालांकि अभी कैपेसिटर नहीं चेंज किया तो टीवी चल सकता है, टीवी चालू भी हो जाएगा, लेकिन अच्छा काम करने के लिए हमें जो दिखता है वो उसको नज़रअंदाज नहीं करना, उसको कर लेना ही बेहतर होता है। तो इसके लिए हमें ये जो कैपेसिटर है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर तीनों कैपेसिटर अभी फूले हुए हैं, एकदम ख़राब हो चुके हैं, लेकिन इसमें इतना पावर है कि अभी जो टीवी है चालू किया तो चल सकता है, कोई प्रॉब्लम अभी आएगा नहीं, लेकिन बाद में 100% ये जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है। ओके, तो चलिए इसको पहले रिमूव करते हैं पीसीपी से, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये जो मदरबोर्ड है ओके हुआ कि नहीं, क्योंकि अभी हमने चेक नहीं किया। खाली हमने जो मॉडल इंस्टॉल किया है और कैपेसिटर लगा दिया है तो सब। ये देखिए यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों कैपेसिटर जो है देखिए कैसे फूले हुए हैं, मतलब ये ख़राब हो चुके हैं। ये जो कैपेसिटर है ये चेंज करते हैं। और देखिए मैं अभी तीन कैपेसिटर दूसरे ले लिया है, यहाँ पर देखिए वही वैल्यू क्या है जो 470 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट वही लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर उसको लगा देते हैं तीनों को। इनको भी प्लस माइनस देखना कभी, जहाँ पर प्लस है प्लस ही लगा देना, माइनस माइनस पे ही लगा देना, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कभी कभी काई गड़बड़ी में हम उल्टा पुल्टा कैपेसिटर लगा देते हैं और बाद में हम पछताते कि अरे ये क्या हुआ, तो ऐसा मत करना। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी लगा दिया हूँ और इनको भी शोल्डर मार देते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं कैपेसिटर फिटिंग करता हूँ। दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, सब टेक्निकल के वीडियो है और जिनको इंटरेस्ट है वो देख सकता है चैनल पर जाके और वो वीडियो देख सकता है। ओके, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और आपको कुछ ऐसे अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करना, वो मैं बना दूंगा। और आपको कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे सारे बहुत सारे जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और नोटिफिकेशन आपको आ सकता है जब आप सब्सक्राइब कर देंगे। ओके,
तो चलिए यहाँ पर मैं जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से फिटिंग कर दिया हूँ और सोल्डरिंग भी हो चुका है। तो अभी हम का चेक करेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर तो मेरा कैमरा हिला हिल गया है, मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर अपना जो कैपेसिटर लग चुका है सब और मॉडल भी लग चुका है। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ कि अपना जो वोल्टेज है वो आता है कि नहीं। इससे पहले मैं थोड़ा थिनर से पीसीबी को क्लीन करता हूँ, क्योंकि ऐसे जब कभी हम काम करते हैं उसके ऊपर तो पीसीबी बहुत गंदी हो जाती है। तो उसे थिनर से थोड़ा साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और पीसीबी भी क्लीन हो जाती है। देखिए इस तरह से मतलब काम साफ़ सुथरा दिखता है, वही हमें चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना गंदा था, अभी पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है पीसीबी और इसे क्लीन भी दिखता है। तो इस तरह से कभी भी काम करने के बाद पीसीपी जो होती है उसको क्लीन कर देना। देखिए यहाँ पर एकदम नए जैसे दिखने लगे हैं, अभी कोई बोलेगा नहीं काम किया है। तो चलिए मैं अभी आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि अपना वोल्टेज बनता है या नहीं। यहाँ पर मैं ग्राउंड लाइन दे देता हूँ उसको। यहाँ पर 5 वोल्ट आता है कि देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ चुका है और अपना जो पीसीपी है देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट है, 3.3। और ये वोल्टेज आने के बाद हमारा टीवी 100% चालू हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी किट किट जो है उसको फिटिंग कर देता हूँ, उसके बाद हम ऑन करके देखते हैं टीवी को। तो चलिए इसमें जो मदरबोर्ड है उसको मैं अभी स्क्रू लगा देता हूँ। 2 स्क्रू लगाने के बाद मैं चेक करता हूँ उसको, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली चेक नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत इधर उधर मदरबोर्ड होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर 2 स्क्रू मैं खाली चेक करने के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है जब हम छोटी छोटी टॉपिक लेकर बैठते हैं, तो ज़्यादातर मैं वैसा नहीं करता, एकदम जो चाहिए वही लेता हूँ, उससे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होता। लेकिन होता क्या है, काम करने में बहुत टाइम लगता है, आधा आधा एक एक घंटा दो दो घंटे लगते हैं, तो वो उतना लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकता क्योंकि आप भी बहुत बोर हो जाएंगे। मैं जो जो टॉपिक है वही लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी जो सॉकेट है वो तो लगा देता हूँ, उसके बाद जो इस तरह से लगा दिया हूँ। तो चलिए मैं अभी इसको करंट देता हूँ, लाइन देके अपन चेक करेंगे यहाँ पर कि अपना टीवी ऑन हुआ है या नहीं, क्योंकि अपने जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट थी वो तो सब आ चुकी है। हमने अभी मल्टीमीटर से चेक किया है तो 100% टीवी तो ओके होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2-3 स्क्रू मैंने मदरबोर्ड को लगा दिया है, थोड़ा कस भी देता हूँ उसको। अभी फिटिंग हो चुका है मदरबोर्ड। यहाँ पर अभी मैं 230 वोल्ट देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं अभी टीवी खड़ा कर दिया है। यहाँ पर देखिए रेड लाइट आ चुका है स्टैंड बाय का, रिमोट से मैं ऑन करता हूँ इसको तो ऑन होता है कि नहीं देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा रिमोट से ऑन करता हूँ, देखिए ऑन हो चुका है। और यहाँ पर मैं एवी की वायर लगा दिया है, चलिए पिक्चर भी आ चुका है यहाँ पर। ओके चलो, तो पूरा पिक्चर नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है, तो इसके लिए मैं टीवी ऑन होगा यही मैं आपको दिखा सकता हूँ जो हमें चाहिए था। ओके दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करना पड़ेगा। ओके चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ नए टॉपिक्स लेकर, और कुछ टॉपिक्स आपको चाहिए तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।